प्रश्न, इस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते, कौन सी एक बात बाबा के बच्चों को समझ में आ जाए तो वो बेहद के वैरागी बन सकते, कौन सी बात समझ में आ जाए तो हम बेहद के वैरागी बन जाए। जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, अब हमें अपने घर जाना है। घर जाना है तो अपने साथ हमने इस संसार का, इस नश्वर दुनिया का कुछ भी लेके नहीं जाना, और उत्तर, ये पुरानी दुनिया अब होपलेस है। होपलेस क्या बोला होता है? खत्म होने वाली। होपलेस, अब इसमें कोई उम्मीद नहीं, अब इस दुनिया की चलने की, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कब्रिस्तान बनना है, ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बनना है। कुछ बाबा के सामने मुसलमान भाई बहन बैठे होंगे जो बाबा को आज अल्लाह कब्रिस्तान ये शब्द प्रयोग करने पड़ रहे। ये दुनिया कब्रिस्तान बनना है, क्या ये दुनिया अब कब्रिस्तान बनेगी या ये दुनिया कब्रिस्तान है, इन दोनों में से क्या है? बनेगी क्यों कह रहे हैं बाबा? यदि ये दुनिया कब्रिस्तान है तो बनने के लिए क्यों रहे क्या कह रहे हैं, और यदि अभी कब्रिस्तान बननी है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि दुनिया कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान बन जाएगी तब बाबा घर ले जाएंगे ना, फिर बाबा ऐसे क्यों कहते हैं ये दुनिया कब्रिस्तान है, सारी रूहें कब्र में दाखिल है। तो अब देहू की कब्र, देह को कब्र कहेंगे तो सारे देह के अंदर हैं, तो सारे कब्रिस्तान में हैं। आप कब्रिस्तान से निकल गए हो, कब्रिस्तान में है, फिर बाबा रहा है कि दुनिया सारी कब्रिस्तान बनी है, ये दोनों दो दो कब्रिस्तान है क्या? हाँ जी, मुर्दों को जिंदा करते हैं बाबा, एक है सूक्ष्म कब्रिस्तान और एक है स्थूल कब्रिस्तान। स्थूल कब्रिस्तान मतलब साफ आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर परम धाम जाती, सारी आत्माएं अपने नश्वर शरीर को, नश्वर दुनिया को छोड़कर अपना परम धाम जाती है, अल्लाह के घर जाती है। दूसरा है कि ये स्वीकार किया गया अज्ञानतावश कि आत्माएं कब्र में रहती, आत्माएं कहां रहती हैं? कब्र में रहती। जब ये कुरान में लिखा हुआ खुदा आकर कब्र से रूहों को जगाते, कब्र से रूहों को उसे रूहों को जगाते हैं, ये अंतर समझना। वह है स्थूल कब्रिस्तान और ये है सूक्ष्म कब्रिस्तान, क्योंकि ये अज्ञानतावश स्वीकार करते हैं कि आत्मा कहाँ है, कब्र को, कब्र में। इसलिए पुराण में लिखे हुए होने के कारण परमात्मा ने समझाया, बच्चे आत्मा उस कब्र में नहीं होती
वो तो जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तब उसके शरीर को कब्र में रखा जाता है नाश करने के लिए, नमक डाल करके, ताकि वो शरीर खराब हो जाए, बदबू ना हो, जले नहीं, वातावरण खराब नहीं। और वहां पर उन्होंने समझा कब्र में आत्मा रहती है, खुदा आकर सब लोगों को जगाते हैं और सब लोग खुदा के सामने हाजिर। वास्तव में बाबा कहते ये शरीर तुम्हारी जब है जिसमें तुम रूह है दाखिल हो, तुम अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को ही काबू समझ लेती, अपने आप को ही काबू, अपने आप को ही खुद समझ लेती है कि मैं ही ये शरीर मैं, जबकि वास्तव में तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा, तुम स्वयं को भूल जाते हो, तुम इस शरीर के अंदर रहते और तुम इस शरीर को चलाने वाले मालिक थे, परंतु तुमने अपने आप को मालिक ना समझ, आत्मा ना समझ, क्या समझ लिया, देह समझ लिया, कब्र को ही मैं समझ लिया। आत्मा आकर हम सब आत्माओं को ये सच समझाते, ये सच समझाते, सच क्या है कि हम सब आत्मा, सच क्या है कि हम सब आत्मा, हम सब आत्माएं परम धाम से आई हैं इस संसार में पार बजाने के लिए, पार बजाते बजाते अपने आप को भूल गए और इस मिट्टी को ही मैं समझ गए और हम उस मिट्टी में अपने आप को विस्मृत हो गए, अर्थात उसमें दफन हो, उसमें अपने आप को खो दिया। ये बात समझ ली तो बेहद का वैराग्य वैरागी बन सकते। अब ये समझ लिया कि वास्तव में ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, हम सब आत्माओं को अपने घर जाना है। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापित हो रही है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सुहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना दे, यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना दे, तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल दो, तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है और